तो दोस्तों, अब तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सोलार कारपोर्ट भारत के भीतर बनकर तैयार हो चुका है और ये खुद यहाँ पर मारुति सुजुकी ने तैयार किया है। नाउ अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 20 मेगावाट पीक की पूरी कैपेसिटी होगी। इससे 28,000 मेगावाट आवर्स इतना पावर जनरेट होगा पर एनम। काफी लोगों को लग रहा रहेगा ये तो ज्यादा कुछ पावर नहीं है, बस थोड़ा सी पावर है, बट मैं आपको बता दूं कि जो इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है अकेली इस सोलर रिन्यूएबल पावर से हम 67,000 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी खासी पावर है ये। वैसे मारुति सुजुकी ये जो इनिशिएटिव ले रही है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना और रिन्यूएबल एनर्जी से कार की प्रोडक्शन को बढ़ाना, सो इस तरह के इनिशिएटिव को बाकी कंपनीज को भी लेना चाहिए। सरकार को इसे एक तरह का बेंचमार्क सेट कर देना चाहिए सो दैट एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी से करना ही है। और भारत के पास भी एक काफ़ी अच्छी लीडिंग पोजीशन है बिकॉज हमारे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पूरे साल ही अगर आप देख लो तो बहुत ही अच्छी खासी सनशाइन रहती है, वरना यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये सिचुएशन सेम नहीं है। वैसे ऑलरेडी कंपनी सोलर पार्किंग लॉट्स भी काफ़ी मैसिव ढंग से बनाने में लगी हुई है। ये लोग तो लोएस्ट एरिया पर यूनिट पावर थैंक्स टू देयर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन टेक्नोलॉजी, जिसके चलते ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर हार्नेस कर पा रहे हैं। इनका ये जो शेड है पूरा जो सोलार से बनाया है, यहाँ पर तो 9,000 फिनिश्ड व्हीकल्स पार्क की जा सकती है। सो आप सोच सकते हो कि अगर भारत के जितने भी पार्किंग फैसिलिटीज है वहाँ पर भी एटलीस्ट अगर हम इस तरह के फैसिलिटीज जरा बना दे, उसके ऊपर सोलार शेड लगा दे, तो इससे तो काफ़ी मैसिव ढंग में हम एनर्जी जनरेट कर पाएंगे और वो भी लगभग ना के बराबर स्पेस को यूज़ करते हुए। वैसे अब पूरे एशिया में ये जो भारत में सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट बना है, इससे ऑलमोस्ट 20,000 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन भी हर साल घटने वाला है। सो मारुति सुजुकी के ये एग्जांपल से तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर बाकी की कंपनीज भी अपनी टोटल कैपेसिटी का 20% भी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेट करने लग जाए तो डेफिनेटली हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तो एक काफ़ी बड़े ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभर कर आएंगे। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।